पाठक, खबरों की शुरुआत करेंगे और खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, जहां सत्य निकेतन में 3 मंजिला इमारत गिर गई। दिल्ली से खबर, सत्य निकेतन में 3 मंजिला इमारत गिर। इस वक्त की खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां सत्य निकेतन में 3 मंजिला इमारत गिर गई और 4 से 5 लोगों के दबे होने की आशंका है। और आपको बता दें, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के सत्य निकेतन में 3 मंजिला इमारत गिरी, बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से। 4 से 5 लोगों के दबे होने की आशंका है और लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। दमकल की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है। खबर इस वक्त की दिल्ली से, सत्य निकेतन में 3 मंजिला इमारत गिर गई। दिल्ली से इस वक्त की खबर, जहां सत्य निकेतन में 3 मंजिला इमारत गिर गई है। दिल्ली के सत्य निकेतन में यह बड़ा हादसा हुआ है। 4 से 5 लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। दमकल की गाड़ियां वहां मौके पर मौजूद हैं। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। 5 लोगों के दबे होने की खबर दिल्ली से इस वक्त की आपको खबर बता रहे हैं, जहां सत्य निकेतन में 3 मंजिला इमारत गिर गई। 4 से 5 लोगों के दबे होने की आशंका है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर दिल्ली से अमित दुबे जुड़ चुके हैं। अमित, सत्य निकेतन में 3 मंजिला इमारत गिर गई है, कई लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है, कैसे हुआ ये बड़ा हादसा? देखिए, ये जो 3 मंजिला बिल्डिंग थी, इसके रिनोवेशन का काम जो है वो यहाँ पे चल रहा था और बताया जा रहा कि 4 से 5 मजदूर जो है वो अंदर काम कर रहे थे। और जब ये बिल्डिंग धराशायी हुई है तो इसमें वही मजदूर जो है उनके दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है, जिसे दमकल की तमाम गाड़ियां यहाँ मौके पे पहुंच गई है। तमाम अधिकारी मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के तमाम लोग मौजूद हैं, जो कि लगातार मलबे को हटाने के लिए प्रयासरत हैं, जिससे कि जो दबे हुए लोग हैं, फंसे हुए लोग हैं, उन्हें बाहर निकाला जा सके। लेकिन बड़ी चीज ये कि चूंकि रिनोवेशन का काम हो रहा था, तो क्या जिस तरह से बिल्डिंग पूरी कोलैप्स हुई है, क्या बिल्डिंग का आधार जो है वो मजबूत नहीं था, बिल्डिंग सही पैमानों पे बनाई गई थी, कई सारे सवाल उठते हैं। लेकिन दिल्ली की जो आबादी है, खासतौर पर सत्य निकेतन का जो इलाका है, यहाँ पे अमूमन जो मकान है वो 3 से 4 मंजिल तक बने हैं और कई इस तरह की जब इमारतें गिरती है तो कई बार ये चीजें सामने आती हैं कि मानक के अनुरूप बिल्डिंग नहीं बनाई गई थी, कोई उसमें राहत और बचाव कार्य के लिए कोई उसमें योजनाएं नहीं थी। अगर हम डीडीए की बात करें तो ना डीडीए नक्शा पास कराया गया था, और तमाम प्रशासन की मिलीभगत कहा जा सकता है कि प्रशासन की मिलीभगत से इस तरह की बिल्डिंगों का निर्माण हो जाता है और उसके बाद इस तरह के हादसे दिखाई देते हैं। अमित, जो बिल्डिंग गिरी है, आसपास भी इसके बिल्डिंगें होंगी, क्या और लोगों के जान माल हानि होने की कोई खबर है? देखिए, फिलहाल आसपास के जो मकान है वो सभी मकान सुरक्षित हैं और जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं। इस बिल्डिंग की भी जो बात की जा रही है, तो इसमें भी जो लोग जिनके दबे होने की आशंका बताई जा रही है, ये आम लोग नहीं थे, वहाँ के रहने वाले लोग नहीं थे। चूंकि रिनोवेशन का काम हो रहा था, जाहिर तौर पर मजदूर जो है वो अंदर बिल्डिंग में काम कर रहे थे, और किस तरह से रिनोवेशन हो रहा था, क्या रिनोवेशन को लेके कोई एहतियात नहीं बरती गई, या ऐसी कौन सी खामियां उसमें निकली जिस वजह से ये 3 मंजिला इमारत जो है वो धराशायी हुई है, कई सारे सवाल है, जांच के विषय है। फिलहाल जो है दमकल की जो गाड़ियां हैं, जो अधिकारी हैं खासतौर पे, वो लगातार मलबा हटाने के प्रयास में, जिससे कि दबे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सके। ठीक है, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े सवाल अपने आप में इमारत छोड़ रही है, इसका नक्शा नहीं पास हुआ था, जैसा कि हमारे रेजिडेंट एडिटर ने बताया। लगातार आपको बता रहे हैं, दिल्ली से इस समय सत्य निकेतन में 3 मंजिला इमारत ढह गई, और आपको बता दें इसमें राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। और देश की राजधानी में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर 5 मजदूर इस बिल्डिंग में दबे होने की आशंका बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आपको बता रहे, दमकल की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं।
लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। 5 मजदूरों के दबे होने की खबर है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, जहां सत्य निकेतन में 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई।